नमस्कार। जय साईनाथ, नमस्कार। कैसी हैं आप मीना बेन? वेरी फाइन, थैंक यू। आप? आई एम गुड, थैंक यू। आज हम सब एक ऐसी महिला से मिलने वाले हैं जो केवल दादी नहीं है, लेकिन पैड वाली दादी है। हमने पैडमैन के बारे में सुना है, हमने उसकी मूवी भी देखी होगी शायद, लेकिन आज हम पैड दादी के बारे में कुछ जानना जरूर चाहेंगे। जैसे मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया था कि ये पैड दादी कौन है, वो जानने के लिए आज हम 5 बजे मिलेंगे और आपकी आपके समक्ष हम लोग हाजिर हो गए हैं। मीना मेहता किसी आम मध्यम वर्गीय महिला जैसी है, लेकिन उनका काम बिल्कुल जुदा है। वो गरीबों में खाना, कपड़ा, दवाइयां, रुपये की बजाय सैनिटरी पैड और अंडर गार्मेंट्स बांटती हैं। वे सूरत की रहने वाली हैं और मीना जी कहते हैं कि वो टू मैन आर्मी है। क्यों टू मैन आर्मी है? क्योंकि वो हमेशा उनके पति के साथ ही काम करती हैं और उनके पति का नाम है अतुल मेहता, जो मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर अगर हो तो हमें जरूर मिलवाइएगा मीना जी। आवी जब, आवी जब, अतुल आवी जब। नमस्ते भाई। हाँ, सो ये है टू मैन आर्मी मीना जी की। और आगे जानने के लिए हम मीना जी से ही पूछेंगे कि उनकी ये जो जर्नी जो है, ये उन्हें पैट दादी क्यों बुलाया जाता है, उनको इस जर्नी को जो उन्होंने शुरू किया, उनकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, वो जानने के लिए हम बहुत आतुर हैं मीना जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपके बारे में कुछ बताइए, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया और किस अभी तक की आपकी जर्नी में क्या-क्या हो रहा है मीना जी। ओके, जय साईनाथ। मैं मीना मेहता हूँ, मानुनी फाउंडेशन सूरत से। हम दो सर और चार हाथ ही है जो ये काम करते हैं, और गरीब बच्चों, अंडर प्रिविलेज बच्चों, स्पेशली गर्ल्स, 11 to 14 years की गर्ल्स के लिए हम ये काम करते हैं। और एवरी मंथ सिंस 8 years हम लोग उन लोग को पैड, पैंटी, अंडर गार्मेंट्स, मतलब ब्रा, स्पॉच ब्रा, खजूर और चना, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट म्युनिसिपल स्कूल्स में लड़कियों को, लेडीज गर्ल्स को देते हैं। और अभी हमारा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, 2013 से हम ये काम कर रहे हैं, और 2004 में हमने सुधा मूर्ति का एक राइटअप पढ़ा। सुनामी के वक्त उन्होंने 4 ट्रक्स भर के सैनिटरी पैड्स चेन्नई भेजे थे, तो दिस गॉट मी वेरी मच इंस्पायर्ड कि भाई ये काम जरूरी है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाता है बच्चों को या सुनामी ग्रस्त पीपल को, पर सैनिटरी पैड्स कोई देता नहीं है, और किसी को ध्यान भी नहीं आता कि ये हर महीने आता है और ये जरूरी है, क्योंकि दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग ड्यूरिंग द सुनामी। तो ये मेरे जहन में आ गया कि काम करना है तो यही करना है, पर हाउ टू डू इट, प्लेटफॉर्म चाहिए, लड़कियां चाहिए। और ये काम उस टाइम पे 2004 से 2013 तक हमने सोच सोच के विचार किया कि कैसे करे, प्लेटफॉर्म चाहिए, वी नीड अ प्लेटफॉर्म। तो सो फिर आई वी स्टार्ट, मुझे ये लगता है कि पूरा 8 साल निकल गया उसमें। यस, थिंकिंग कि कैसे यस करे। फिर 2013 में हम लोग गुजर रहे थे, एक गार्बेज से गुजर रहे थे, तो वहां हमने दो लड़कियों को यूज सैनिटरी नैपकिन्स पिकअप करते देखा। सो वी स्टॉप द कार एंड वी आस्क देम कि भाई ये क्या कर रही हो बेटा आप? बोले दादी, हम लोग हर महीने यूज सैनिटरी नैपकिन्स कलेक्ट करते हैं, उसको धो के सुखा के वापस यूज करते हैं,
बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड, हमारे पास पैसे नहीं है और वी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग सैनिटरी नैपकिन्स। दिस ये चीज हमें बहुत टच कर गई और घर आके मैं बहुत रोई और मेरे हस्बैंड को मैंने करा का तुल हमको कल से ये स्टार्ट करना है, बस एनी हाउ हमको कल से स्टार्ट करना है। तो 5 लड़कियों से हमने स्टार्ट की है गिविंग सैनिटरी नैपकिन्स। धीरे धीरे सोचा कि चलो बच्चों को भी और बच्चियों को हम लोग स्टार्ट करें, तो वी वेंट टू द जोनल ऑफिस एंड वी स्पोक टू द म्युनिसिपल पर्सन ओवर दिस कंसर्न। ही सेड ओके मोर देन हैप्पी, गो टू आवर स्कूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। वी स्टार्टेड इन वन स्कूल, टू स्कूल्स, दैट वी स्टार्टेड विद 5 स्कूल्स। नहीं। पांच पांच लड़कियों को 5 स्कूल में हम लोग ने स्टार्ट किया है। लड़के बहुत खुश थे, पर 5वें महीने एक लड़की मेरे कान में आके बोले, दादी हमको आपसे एक बात करनी है। तो हम बोले, बोलो बेटा क्या काम है? बोले, दादी आप हमें पैड्स देते हैं पर हमारे पास अंडरवेयर ही नहीं है, हम पैड कैसे पहनेंगे? ओ हो, दिस वॉज तो मैं अब हमको आपसे अभी यही पूछना चाहती थी कि क्यों आप, ये तो पता है कि आप पैड वाली दादी हैं, ठीक है, पर अभी पता चला कि आपकी जर्नी पैड को जो आप सबको बांटती हैं वो कैसे शुरू हुई। लेकिन मुझे ये भी जानना था कि आप अंडरगारमेंट्स भी क्यों बांटती हैं। तो हाँ, आप जैसे अभी शेयरिंग कर ही रही थी तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये कैसा लॉजिक है कि भाई पैड तो ठीक है हम बांटते हैं कि चलो उनको जरूरत है, लेकिन क्या क्यों अंडरगार्मेंट्स क्यों? ये जो अपने बच्चिया है जो स्लम्स में रहते हैं, वो लोग दो गर्ल्स मतलब दो बहन के बीच में, दो मतलब 8 बहन के बीच में सिर्फ 2 ही अंडरवेयर है उन लोग के पास। सो एवरीबडी यूजेज अ कॉमन अंडरवेयर एंड बाय द टाइम उसका टर्न आ जाता है पैड पहनने का, द अंडरवेयर बिकम्स लूज। सो देयर इज नो पॉइंट इन वेयरिंग अ लूज अंडरवेयर विद अ पैड। सही बात है। एंड एंड और उन लोग के पास खुद का अंडरवेयर नहीं होता है, दे डू नॉट ओन देयर ओन अंडरवेयर, इट्स कॉमन। तो मेरे जहन में ये आया कि भाई वाई नॉट उन लोग को अंडरवेयर भी देवे फॉर हाइजीन पर्पस ऑल्सो, और दे कैन वेयर अंडरवेयर सो दे कैन बी सेफ एंड सिक्योर ऑल्सो इन मेनी टर्म्स ऑफ लाइफ। तो उन लोग को अंडरवेयर देना हमको लगा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पैड अंडरवेयर बिगैर कुछ कुछ फायदा नहीं है। फायदा नहीं पैड है। मैन, हाँ पैड मैन और आने से, पैडमैन आने से, मूवी आने से भी ज्यादा फायदा तो हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है जब तक मुझे मैंने मालूम किया है कि पैड वुमन आप ही हो, भले आप दादी से जानी जाती हैं, लेकिन जैसे पैड मैन है आप पैड दादी हो। उनकी स्ट्रगल अलग थी, आपकी स्ट्रगल अलग है। आप जो काम करते हैं वो शायद एक पैड देने से ही खत्म नहीं होता है, लेकिन आप इतना बढ़िया एक अच्छा काम करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। और हमको, आपको, सबको पता है कि सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं को ज्यादा होता है नंबर 1, या नंबर 1 है, या तो उस हिसाब से आप उनकी हाइजीन तो का ख्याल रखती ही रखती हैं, लेकिन उसकी जो एडेड वैल्यू है वो है कि सर्वाइकल कैंसर को वो आमंत्रित नहीं करेंगी इससे, क्योंकि वो पैड भी यूज कर रही है, निकर्स भी यूज कर रही है, हाइजीन लेवल भी मेंटेन हो रहा है। तो आई थिंक उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी कि वो आप कैसे हाइजीन के बारे में, अंडरगार्मेंट्स के बारे में समझाती हैं, या फिर आप बांट के उन वहां से मतलब ऐसा कुछ कैंपेन होता है या हर महीने जाती हैं, किस तरह से होता है आपका काम? अच्छा, हम लोग सुबह 9 बजे से हमारा पैकिंग चालू हो जाता है। पैड, पैंटी, अंडर गार्मेंट्स दैट इज ब्रा, स्पॉर्ट्स ब्रा, 3 साइजेस ऑफ पैड पैंटी, 34, 36, 38, 3 साइजेस ऑफ ब्रास, स्पॉर्ट्स ब्रा एंड 2 पैकेट्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। ये सब हमारे रिक्शा में हम भर के स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते टीचर्स को समझाते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक बच्चियों को सबको हम लोग इकट्ठा करते हैं
और उन लोग को समझाते हैं बिकॉज दे हैव नॉट सीन अ पैड ऑल्सो, तो सेंस ऑफ फीलिंग भी देते हैं कि भाई इससे पैड बोलते हैं. तो फर्स्ट टीच देम हाउ टू वेयर द पैड, एवरी गर्ल वी मेक देम सिट डाउन, टीच देम हाउ टू वेयर द पैड. दूसरी चीज कि 8 घंटे के बाद बदलना है. अच्छा तीसरी चीज के उसको अच्छी तरह धो के रोल करके डस्टबिन में डालना है. सो दिस दिस ओथ आई गिव, मेक देम टेक दिस 3 ओथ्स एवरी टाइम एंड एवरी मंथ आई डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट. और बच्चियां इतनी ट्रेंड हो गई है कि मैं देती हूँ और देन दे स्टार्ट क्या बोलना है, तो दिस 3 थिंग्स दे से. और बहुत अपनी माओ को भी, और अपनी माओ को भी पहनाना उन्होंने सिखा दिया है. और इस बहुत पैंडेमिक में सही टाइम आपने बोला कि एक बच्ची को सिखाने से और 10 बच्चियां सीखेंगी और उनकी मम्मी भी सीखेंगी तो उनकी मम्मी से और 10 महिलाएं सीखेंगी। और इस पैंडेमिक के मतलब टाइम पे मैं बच्चियों के नहीं पहुंच पाई इन लोग के पास. तो अभी 9th मार्च को मैंने फिर शुरू किया टीचर्स के सपोर्ट से. तो पर 1000 गर्ल्स को हम लोग ने पैड पैंटीज देना शुरू कर दिया है. तो अच्छा बच्चों को हमने ये बोला कि बेटा आपने क्या किया, लाइव हो गए थे हमारे साथ टीचर्स और प्रिंसिपल्स. तो बच्चों ने बोला कि डैडी दादी हम लोग ने रैग्स नहीं चालू किया, हम लोग ने डायमंड चिटका चिटका के पैर के पैसे भी सेव्ड एंड देन वी बॉट पैड, और हम लोग ने पैड ही पहना. वी अमेजिंग डिड नॉट, हाँ वी हैव नॉट स्विच्ड ऑफ टू रैग्स, वी हैव अगेन, वी ऑलवेज वॉन्ट पैड ओनली, क्योंकि आपने हमें सिखाया था कि सर्वाइकल कैंसर होता है, इसीलिए हमारे जहन में ये था कि हम लोग रैग्स नहीं पहनेंगे. एंड दिस स्लोगन वॉज विथ मी कि रैग्स मुर्दाबाद, पैड जिंदाबाद. बहुत अच्छा। सो बच्चों ने मेरे ये जो 8 साल की मेरी मेहनत को उन्होंने एकदम सफल कर दिया. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने वापस स्टार्ट कर दिया उन लोग को देने. एवरी मंथ हम लोग जाते हैं ये से सब लेके. और अंडर गार्मेंट्स जो ब्राज है तो वो भी हम बहुत, आई एम अ वेरी बातूनी लेडी, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, बातें करती हूँ बच्चों से. तो बच्चों ज्यादा घुल मिल नहीं करते और दौड़ते नहीं थे, बैठते रहते थे. तो मैंने पूछा कि क्यों बेटा आप इतना एक्टिव क्यों नहीं हो, बोले हमारे ब्रेस्ट डेवलप हो गए हैं और हमारे पास अंडर गार्मेंट्स है नहीं. ओ माई गॉड. सो देन वी स्टार्टेड गिविंग स्पोर्ट्स ब्रा ऑल्सो एंड द गर्ल्स आर इतने हैप्पी कि सब चीज में वो लोग भाग लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उन लोग का बढ़ गया है, उन लोग की छेड़ती भी कम होती है और पॉस्चर भी उन हाँ, लोग मैं का इसी पर परफेक्ट ही होता आने है. वाली थी कि आपके एक वीडियो में आप बच्चियों को अंडरगार्मेंट्स दिखाते हुए समझा रही थी कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, तो आप ये समझा रही थी कि ये इसको अंडरगार्मेंट्स बोलते हैं, इसको ये बोला जाता है कि इसको स्लिप है या इसको क्यों पहना जाता है, और अभी के माहौल में रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं और लड़कियों को पता नहीं होता है किस तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन किस तरह से करा जाए, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझा रही थी, तो उसके बारे में आप कुछ और विशेष उसमें कुछ आप बता सकते हैं तो। हमारा मोटो है अवेयरनेस स्प्रेड बाय गिविंग, नॉट बाय कि ये करो वो मत करो, ये करो डोंट डू दैट, डू ऐसे नहीं. दो, समझाओ और टोका करो कि पहनो बेटा पहनो. हिंदुस्तान में लड़कियां का स्थान इतना ऊंचा नहीं है. लड़कियों को हम अंडरवेयर देते हैं, इट्स गोज टू द ब्रदर्स. तो कभी भी लड़कियों को पूछते हैं कि बेटा आपने आज अंडरवेयर पहनी है, तो छोटी छोटी लड़कियां बोलती नहीं मम्मी ने भाई को दे दिया. ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने दिया, तीसरे महीने, चौथे महीने. जब भाई के पास 6 अंडरवेयर हो जाते फिर ये बेचारी लड़की का टर्न आता है. तो फिर फॉर सिक्स मंथ में देती रहती हूँ, नहीं एवरी मंथ आई गिव, एवरी मंथ. और छोटे छोटे लड़कियों को हम इतने सिखाते हैं कि चड्डी पहननी है, क्योंकि जो कोई रेप करने आवे, दुष्कर्म करने आए, दे डोंट नो, उनसे होता है पर दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम. तो इफ यू आर वेल क्लोथिड तो आप भाग सकते हो, उसको भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम मिल जाता है भागने का. तो थोड़ा थोड़ा ताइक्वांडा या कराटे या सेल्फ डिफेंस इतने बच्चे को नहीं आएगा. नहीं है छोटे छोटे बच्चे, 5-5 लड़कियों, 5-5 साल की लड़कियों को ये सब थोड़ी आने वाला है.
बट इफ यू आर देयर वेल क्लोथेड, सो इन लोग को थोड़ा टाइम मिल जाता है टू बी लिटिल, दे कैन रन अवे, तो वी गिव देम स्लीप्स एंड अंडरवेयर. एंड अदरवाइज ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि उनको सुरक्षित भी रखता है वैसे भी. और हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि आपकी जो ये जर्नी जो है पैड वाली दादी की, वो किस तरह से आपका नाम पैड वाली दादी कैसे हुआ? जब स्कूल में जाते थे चिल्ड्रेन, कभी ऐसे वहां मैं जाऊं तो देखते थे कि आ गई दादी, आ गई दादी, आ गई. कौन सी दादी आई, कौन सी दादी, वो पैड वाली दादी, ऐसे करके हाँ मेरा नाम. तो एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, पैड वाली दादी सही, पर मैं जाऊं अपने बैग लेके आवे अंदर. एंड माय इंस्ट्रक्शंस आर दैट को एजुकेशन में बच्चे अच्छी तरह से अंदर थैली लेके आते थे, अपनी थैली में रख के, बैग में रख के क्लास में जाते थे. तो लड़कियां ऐसे पूछती थी कि दादी, वो सब लड़के लोग मुझे टीज करते, आप क्या लाए, क्या क्या लाए, क्या लाए. तो मैं बोलो बिंदास बोलो पैड है, देखो खुलो, ये पैड पहनती है, आपकी मम्मी को पूछो, आपकी बहन को पूछो ये क्या है. अब बच्चे, अभी लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया है कि दे गो टू द मार्केट एंड बाय देम सेल्स, पहले नहीं करते थे वो लोग. राइट, ऑफ एंड कोर्स. एक एक छोटा इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ हमारे एक्सपीरियंस का. छोटी छोटी लड़कियां जो 6th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में है, दे डोंट वेयर अ पैंटी. नो गर्ल इन स्कूल, लगभग दे डोंट वेयर पैंटीज, दे वेयर ओनली द स्लैक्स और व्हाटएवर दैट इज. अब एक लड़की गार्डन में हम लोग वॉक करने जाते थे, तो एक लड़की शी गॉट अ पीरियड्स देयर एंड एक कोने में बैठे बेचारी रोती थी. तो आई वेंट टू हर, आई सर क्या हुआ बेटा, बोले आई थिंक मुझे कैंसर वैंसर हो गया है, ऐसे खून बह रहा है, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा है. ऐसे ऐसे मत कर बेटा. आई वेंट टू द शॉप, वहां से एक पैड का पैकेट लिया, पैंटी लिया, बाथरूम में जाके उसको धुला के पहना दिया. तो फिर हम लोग ने ये स्ट्राइक, हमको ये स्ट्राइक हुआ कि लड़कियों को जो पीरियड्स में नहीं आती है उन लोग को भी पैंटी देनी चाहिए, क्योंकि एनी टाइम दे में गेट दे पीरियड्स. तो हाँ, तो 5th स्टैंडर्ड से हम लोग पैंटी देने लगे कि भाई रोज पैंटी पहन के आना है, तो पैंटी देने लगे. धीरे धीरे लड़कियों को हैबिट हो गई कि पैंटी बगैर नहीं रहे. तो ऐसे हम लोग का ये चालू हुआ जर्नी, जस्ट एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से ये सब हमने काम किया है. नो गूगल, नो फेसबुक, नथिंग लाइक दैट, जस्ट बच्चों को देख देख के प्रैक्टिकल नॉलेज. तो दिस इज हाउ. आपकी जो जर्नी जो थी, जैसे आपने बोला कि 2004 से 2014 तक आपकी जर्नी में यही रहा कि भाई कैसे शुरू करे, क्या करे, किससे कहें, और ये जितने भी आपके जहन में जितने भी प्रश्न आए कि कैसे ये मुकाम पर पहुंचे कि हर लड़कियों के पास हम पैड पैड पहुंचाए या फिर अंडरगार्मेंट्स पहुंचाए, तो वो जर्नी जो रही आपकी 8-9 साल की, वो स्ट्रगल आपको जो पड़ा उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएंगे, तो जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी पता चले, अगर उनको ये कुछ उनको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है, तो वो लोग रुक ना जाए. 2014 या 15 में ये ताबू मानते थे वो लोग, दे वर नॉट वेरी फ्री के भाई पीरियड्स के बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये हुआ कि उसके ये मगज में से निकालने के, जैसे नेचुरल प्रोसेस, वो भी नहीं समझते थे. फिर स्कूल में जाके देते थे तो लेते नहीं थे, क्योंकि ऐसे समझते थे कि नहीं, एक एक बार देंगे दूसरी बार नहीं आएंगे देने. तो पेरेंट्स उन लोग को मना करते थे कि भाई नहीं, अभी नहीं लेना है, वी कैन नॉट अफोर्ड. इट टुक मी 6 मंथ्स टू टेल देम टू टेक इट फ्रॉम मी कि भाई आप लो, आपको हर महीने फ्री मिलेगा, अंडरलाइन 4 टाइम्स कि फ्री मिलेगा आपको, तभी वो लोग लेने लगे. और 2013 14 15 हाउ टू गो, बट सबको बोलती थी भाई ये काम करना है नहीं, ये काम गंदा है. 2 बजे रात को भी फोन आता था कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, ये भी ठीक नहीं है. अरे ये कैसे नहीं ठीक है, अरे इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बच्चे को. एंड यू वोंट बिलीव, इतने मेरे एक्सपीरियंस, आई टू कलेक्ट एक्सपीरियंसेस कि हाउ टू स्टार्ट, मेरे मगज में आता था हाउ टू स्टार्ट. तो लड़कियों को पूछती थी बेटा आपको क्या होता है, रैशेज होते हैं,
तो कि हाँ दादी अंकुर रैशेज होते थे, फिर हम लोग ओवर द काउंटर जाके हम लोग सोफ्रामाइसिन ले आते थे, फिर लगा देते थे। एवरी मंथ वी टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। फिर धीरे धीरे उन लोग को समझाया कि बेटा आप पैड पहनोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे करते करते मुझे 3 साल लग गए कि उन लोग को अच्छा समझाने में कि भाई वेयर, सर्वेंट को भी समझाने में वेयर, तो भाई आप पहनो आपको फ्री मिलेगा। अभी ऐसा हो गया कि अभी फोन आते हैं लड़कियों का कि दादी आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। सो विक्ट्री कम स्लोली बट वेरी नाइसली। ऑफ कोर्स और ये भी मुझे जानना था कि ये जो भी होता है मुफ्त तो नहीं आता है, पैड लाने के लिए भी पैसे चाहिए, अंडरगार्मेंट्स लाने के लिए भी पैसे चाहिए। अगर कुछ भी अच्छा काम करना हो तो हमारे जो हमारी विलिंगनेस होती है, हमारी इच्छा शक्ति होती है, उसके अलावा पैसे भी चाहिए होते हैं, तभी हम कुछ नेचुरली अच्छा कर सकते हैं। तो नेचुरली वहां पे आप किस तरह से उसको पार पाड़ती थी, क्योंकि पैसे का जो भी प्रॉब्लम होता है, बाय करना है, कई लोगों के साथ, कई लोगों के लिए दान करना है या आपको शेयर करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो वो किस तरह से हुआ? सबसे पहले तो आई मस्ट थैंक माई बैकबोन अतुल मेहता। नेवर रिफ्यूज फॉर एनीथिंग। 25,000 से हम लोग ने स्टार्ट किया है एंड स्लोली स्लोली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मनी स्टार्टेड पोरिंग इन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मिसेस सुधा मूर्ति आफ्टर नोइंग व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई मेट हर वंस एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज बाय माई वर्क एंड शी आस्क मी द सेम थिंग यू आस्क मी के वाई डू यू गिव अंडर गार्मेंट्स एवरी मंथ। आई इन बैंगलोर गिव इट एवरी 6 मंथ्स। सो आई एक्सप्लेन हर के बाई द टाइम द बच्चा को जब होता है उसका टर्न आ जाता है पैंटी पहनने का, तब द पैंटी लूज हो जाती है। सो शी वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने उनका जो हाथ में बुके था वो मुझे दे दिया। एंड ऑन 11th of April विच इज माई बर्थडे ट्वाइस शी सेंट मी एज अ गिफ्ट 1-1 लाख का पैज उन्होंने भेजा। एच डी एफ सी गेव मी अबाउट 9 लैक्स फॉर दिस वर्क। अक्षय कुमार गेव मी 5 लैक्स एंड फ्रेंड्स फैमिली एंड माय तो आई हस्बैंड माय एबल सन। टू सी अक्षय कुमार्स पिक्चर ऑल्सो एट योर बैक वॉल ऑल्सो, सो उसे पता चलता है। यस यस एंड ही वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड बाय माय वर्क बिकॉज़ ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन के आप फ्री क्यों देते हो। तो मैंने उसको बोला कि आपकी और मेरी 11 साल की लड़की हो तो कहाँ कमाने जाएगी पैड के लिए। और पैड मैन बनाने से लोगों को जागरूकता तो आ गई है कि पैड देना है, पर पैंटी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो जब क्या लोगों बात ने पैंट हाँ सब लोगों ने पैंटी देने लगे बट इट वेंट डाउन द ड्रेन क्योंकि कैसे पहने, पैंटी नहीं उन लोग के पास। तो ही लिटरली क्राइड एंड ही सेड आंटी मेरे दादी मेरे मगज में ये नहीं हुआ क्योंकि हम एसी कैबिन में बैठ के ये काम करते हैं और यू आर गोइंग टू द ग्रास रूट लेवल एंड नेक्स्ट टाइम आई एंड इतना माहौल तंग हो गया था बिकॉज एवरीबडी वॉज क्राइंग कि हमको पैड दे, वी नेवर थॉट ऑफ गिविंग अ पैंटी। एंड देन ही सेड आई विल मेक अ मूवी एंड आई विल मेक अ मूवी ऑन अ पैंटी एंड मेक यू द हीरोइन, लाइक जस्ट माहौल लाइट करने के लिए बिकॉज इट्स You या एंड ही वॉज सो हैप्पी। never know that we as a pad man we have seen a movie. Now we can see a pad daddy as a movie. Let us see. But my this journey will go on because pad without a panty is no value as book is to pen. Pad has to be with a panty. And awareness is fed by giving, not banner baji. You have to give, give and give. Yes. And my journey कभी रुका ही नहीं है और रुकेगा भी नहीं है by the grace of God and Sai Baba. And there's lots of clear poverty in India. सो आई रियली अपील के सब सब जो लेडीज है उन्होंने 5-5 लड़कियों को एडॉप्ट करके पैड पैंटी हर महीने दो। ओनली 5 गर्ल्स गिव ओनली 5 गर्ल्स बट एवरी मंथ नॉट ओनली वंस। अगले महीने कहाँ जाएगी बिकॉज वन गर्ल फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू द एज ऑफ 52 शी नीड 16,400 पैड्स। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट द अवेयरनेस, वी कैन या स्टार्ट द अवेयरनेस ऑफ गिविंग दिस जॉय टू लिटिल गर्ल्स,
और उससे जैसे आपने बोला कि पहले आपने दिया, उनको एजुकेट किया, और उसके बाद अभी वो खुद से ही खरीदती हैं। और आपने एक बार ये भी बोला था कि कई लोग दान करते हैं, कई चीजों की दान करते हैं, लेकिन कभी पैड या अंडरगार्मेंट्स को दान करने का कभी नहीं सोचा। और आपने ऐसा सोचा है, तो अभी जैसे पैड और पैंटी बोला, तो टू पीस आर वेरी नेसेसरी नाउ। अगर आपको डोनेट करना है तो काइंडली डोनेट टू पीस, एंड दैट इज पैंटीज एंड पैड्स। एंड बीइंग अ वुमन, मुझे ये लगता है कि एक स्त्री दूसरी दूसरी स्त्री के लिए इतना तो कर ही सकती है। वो भले करना ही ही चाहिए। आपके घर में काम करने वाली कोई बहन भी होती है, या फिर आजू बाजू में भी काम करने वाली कोई बहन होती, वहां से शुरुआत की जा सकती है शायद। एंड दूसरा ऐसा है कि बच्चों जो है, आई स्टॉप गर्ल्स बेगिंग फॉर पैड्स, आई स्टॉप गर्ल्स डूइंग प्रोस्टिट्यूशन फॉर पैड्स। इतना नाजुक चीज है एंड मोस्ट वांटेड। ऐसा नहीं कि एक महीने दो, दूसरे महीने नहीं दो, चलेगा। फूड इज ओके, नीडेड, नो डाउट, पर पैड ऐसी चीज है कि लड़कियां कहाँ मांगने जाएगी। फर्स्ट वी हैव टू गिव देम फ्रॉम द एज ऑफ 11 to 14, फिर थोड़ा मोटा काम करके दे विल अर्न, डेफिनेटली अर्न फॉर इट। पैंडेमिक के टाइम पे दे ऑल हैव अर्न फॉर इट। आई हैव नॉट रीच देम पहले ड्यूरिंग द पैंडेमिक। उनको तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आई हैव बीन टू स्लम्स, आई हैव सिटेड, हम बैठ के साथ चाय भी पिए हैं, विन देयर कॉन्फिडेंस। उनको सिखाओ कि ये चीज खराब नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, रैशेज नहीं होगा, आप डैशेज से बच जाएंगे इससे। थोड़ा थोड़ा उन लोगों को कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, तो ये काम होता है। एंड मोर जैसे जैसे लेडीज को मालूम हो, एक टाइम में नहीं करना है, यू हैव टू डू इट मंथली, एटलीस्ट फॉर 6 months डू इट। 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा बच्चों को ज्ञान आएगा कि नहीं, हमको खरीदना है। एंड हमारे आई ऑलवेज टेल द गर्ल्स कि तुम्हारे ग्रोसरी लिस्ट में आपके पापा को पैड आना चाहिए, पैड आपके ग्रोसरी लिस्ट में होना चाहिए। जैसे दाल सही चावल होता है, ग्रोसरी लिस्ट में द पैड हैज टू कम। इतना सही बच्चों में एडुकेट किया है और आता है। आई वन दैट बैटल। वाह, बहुत उमदा, बहुत उमदा। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने शुरुआत जो एजुकेशन की, अवेयरनेस की वो आपने कहाँ से, कोई स्कूल में जाकर की या कोई स्लम एरिया में जाकर की? तो किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी, कहाँ से शुरुआत की? अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट एजुकेटिंग ऑल्सो एंड गिविंग ऑल्सो, यू नो, डोनेटिंग द पैड्स एंड द पैंटीज एंड अदर गार्मेंट्स। फ्रॉम डे नहीं, वन आप स्लम एरियाज में गए थे कि आप कोई स्कूल्स में जाकर उनको एजुकेट किया? किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? स्कूल्स में, स्कूल राइट म्यूनिसिपल स्कूल्स में बच्चों को पहले ये से सब सिखाया, ये सब एडुकेट किया। देन आई थॉट कि उसके पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 14 इयर्स तो उसका उनके पेरेंट्स ही ला देंगे उनको, तो पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा, एडुकेट करना। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तब मुझे बुलाया जाता था, एंड आई टू टीच देम एंड ऑल्सो गिव देम फ्री वन राइट और टू टाइम्स सो लाइक। म्यूनिसिपल स्कूल्स होंगी शायद। म्यूनिसिपल अच्छा, स्कूल, तो कॉर्पोरेशन की स्कूल हो। हाँ, तो वहां पे तो जैसे क्या है कि जितनी भी महिला होंगी वो सब पिछड़े वर्ग की होती है, तो उनकी समझ में ये बात इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आपने उनको किस तरह से समझाया? आपको कभी ये नहीं दिखा कि प्रोटेस्ट काइंड ऑफ थिंग के, ये क्या आप समझा रही है, हमको अच्छा नहीं लगता आप ये समझा रही हैं तो? इट वाज बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग को पहले बिठा के समझाना पड़ता है कि व्हाट इज अ पैड, और उन लोग को कौन सी डिजीज होती है। एंड 50% लेडीज उन्होंने रेज देयर फिंगर्स एंड सेड हमको खुजली होती है, हमको पानी गिरता है, हमको बहुत तकलीफ होती है, पर हम पैसे के अभाव से हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि आई नो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ टेस्ट करवाएंगे, इसीलिए हम लोग नहीं करते। देन यू टीच देम कि देखो ये पैड लो मेरे से, फ्री पैड पैंटी पहनो 1 महीने,
सी हाउ यू फील। ऐसे ऐसे मैंने पेरेंट्स को, देर इज वन एरिया डिंडोली इन सूरत, वो पूरा एरिया जो है दैट इज बिकम रैग फ्री नाउ, बिकॉज फिर मैं गार्डन में जाके डिस्ट्रीब्यूट करती थी टू दिस पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है, फिर वो लोग सोचते थे कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास। फिर मैंने समझाया कि देखो इफ यू डोंट, तो आप नहीं पहनोगे, आपकी जनरेशन जो है वो सिक आएगी, बिकॉज यूट्यूब है वो जो बच्चों बच्चों जो ट्यूब होता है, फिलिपिन ट्यूब है, वो कुछ नहीं समझते ये सब चीज। थोड़ा वो लोग लेमैन की तरह समझाना पड़ता है ना, तो डॉक्टर तो बोले हाँ दादी, हाँ हाँ दादी ऐसा होता है, हमको ये खुजली आती है। मैं तो देखो अभी पैर पहनो तो नहीं आ गई खुजली। थोड़ा थोड़ा उन लोग को कॉन्फिडेंस लो, फिर वो लोग आते नहीं थे मीटिंग में, फिर वो गार्डन में उन लोग को थोड़ा बिठा के समझाती थी, फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस में आए, और अभी द फुल एरिया इज बिकम रैग फ्री नाउ। इट सो वॉज आई एम वेरी कमिंग डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स क्योंकि पैसे क्योंकि के भी मनी इज क्राइसिस इज एवरीवेयर, तो दे टू नॉट फील दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी किसी का रैग पहन लेता है नेचुरली, ऐसे ही होता है कि रैग होता है कोई भी पहन लेता है, कपड़ा कोई भी पहन लेता है, ब्लाउज पहन लेता है, ऐसे दे आर नॉट चूजी अबाउट इट, बिकॉज जैसे हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया तो हम अपने बच्चे को क्यों करवाए। बट देन थिंग्स हैव चेंज, वी टॉट देम कि भाई ये सर्वाइकल कैंसर होता है, इन्फेक्शन होता है, फिर दे स्टार्टेड एग्रीइंग का हाँ दादी होता है। सो फ्रॉम देम आउट ओनली वी टोल्ड देम कि नहीं देखो आपको इन्फेक्शन अब नहीं होगा, तो देन दे स्टार्टेड एग्रीइंग। और एक पैडमैन आने से मैंने 3 शोज किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये स्लम लेडीज को, वन शो फॉर ओनली चिल्ड्रन एंड वन शो हस्बैंड एंड वाइफ, उन लोग को पूरा पूरा थिएटर बुक करवा के 3 शोज उन लोग को मैंने दिखाया पैडमैन के, एंड दे वर सो हैप्पी के हस्बैंड को तो इसीलिए दिखाया कि देखो आप व्हाट योर वाइफ इज गोइंग थ्रू, तो हस्बैंड वाज आल्सो सो हैप्पी। सो व्हेन आई गेव द हस्बैंड अ पैड, आई सेड ले ये पैड और अपनी वाइफ को गिफ्ट दे, तो वो ही स्टार्टेड डांसिंग के मैं मेरे वाइफ का अक्षय कुमार हो गया। ही वाज सो हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी। सो मैं ये सब सहजता से, आई नेवर गेट एंग्री, एकदम सहज जाते, बिकॉज आई वांट टू विन देयर कॉन्फिडेंस। तो शो के बाद में आपने अभी ये बात करी कि हस्बैंड को भी दिया, हस्बैंड्स को भी बताया, ऐसा नहीं है कि आपने यू ओनली हैड अ शो फॉर विमेन ओनली। नो नो तब नो ये नो बात जब आती है तो अतुल भाई की बात तो जरूर आती है। अतुल भाई ये आओ अतुल अतुल। भाई ने शायद मुझे ये लगता है कि जो आम आदमी थे वहां पे जो शो देखने आए थे वो लोग नाचने लगे कि मैं अक्षय कुमार हो गया हूं, लेकिन ही इज अ रियल लाइफ हीरो। अतुल भाई इज अ रियल लाइफ हीरो। या ही इज द बराबर बैकबोन, या ही इज द बैकबोन, बराबर ना एंड अतुल इट भाई इज नॉट पॉसिबल बोल विदाउट रहे हिम। ही इज हैं ना। ऑलवेज क्राइज, ही ऑलवेज क्राइज, ही इज सो सेंटिमेंटल, ही ऑलवेज क्राइज व्हेन दिस टॉपिक कम्स आउट। एंड सब हस्बैंडों को अतुल ने एक एक पैड हाथ में दिया कि आई एम अ मैन, यू टेक दिस पैड एंड गिव इट टू योर वाइफ। सो नहीं बराबर एवरीबॉडी ना। वाज डांसिंग, एवरीबॉडी वाज डांसिंग कि वी हैव बिकम अक्षय कुमार नाउ। तो मैं यही देख रही हूं कि ही इज रियली एट द बैक ऑफ यू एंड वो हमेशा आपका साथ देते ही होंगे, तभी इतनी इतना लंबा जर्नी आप तय कर सकते हो, वरना वो इतना इजी नहीं होता है कि नहीं अगर इस तरह का काम करना हो तो अकेले करो। सबका नहीं साथ होता है और घर से ही शुरुआत होती है, और राइट उसमें राइट अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ या आपकी फैमिली आपके साथ होता है तो जर्नी बहुत इजी हो जाती है। इजी हो जाते हैं, देवर अप्स एंड डाउन्स आते हैं नो डाउट, बट वी हैव ओवरकम देम। और देन आप ड्यूरिंग द पैंडेमिक वी स्टार्टेड फॉर माल न्यूट्रिशन आल्सो, फॉर गिविंग 250, 250 बच्चों को हम लोग रोज खाना देते हैं, राइस बेस्ड प्रोटीन खाना। एंड हमारे जो सर्विंग पार्टनर्स है जिग्नेश गांधी और चेलना बेन, वो हमारे घर के नीचे से डब्बा ले जाते हैं और स्लम्स में वो ही बच्चों को खाना देते हैं। तो पैंडेमिक में ये भी चालू किया, एवरीडे वी मेक अबाउट 17 to 20 किलोज ऑफ फूड, एंड दैट ऑल्सो माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ वी डू इट, एंड
एंड वी पुट ऑल नट्स, सोया चंक्स, ड्राई फ्रूट, खजूर, घी, चीज इन दिस फूड एंड चिल्ड्रेन, एंड वी गिव द सेम चिल्ड्रेन. सो वी वांट टू दोस चिल्ड्रेन टू कम. आपके हस्बैंड आपको साथ ही नहीं देते हैं, लेकिन हर मुकाम पे हर हिसाब से साथ देते हैं कि खाना भी पकाते हैं आपके साथ, पैड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं और आपके साथ खरीदने भी जाते होंगे और आपके लिए थैला भी तैयार करते होंगे एंड आपके लिए अभी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए मोबाइल या कंप्यूटर भी आपके लिए उन्होंने ही रखा है। और सो दैट्स सो एंड वो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको काफी सारा प्रॉम्प्ट भी करते हैं कि ये बोलना है ये बोलना है। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि इट्स वेरी सोलफुल मैं जो देख रही हूँ, और ये जर्नी इसके बगैर आई थिंक अधूरी रहती अगर ये आप दोनों अगर इकट्ठे नहीं हुए होते तो, मुझे ये लगता है। अतुल मेड भाई फॉर इच अदर, मेड फॉर इच जी अदर एंड वेट फॉर द सोल, माई सोल डॉटर्स, ऑल दीज डॉटर्स, अबाउट 8,000 डॉटर्स. आपने 1,000 लड़कियों को अभी तक वितरण किया है सैनिटरी पैड्स और अंडरगार्मेंट्स का। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मीना जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आपकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है वो सूरत तक ही सीमित है या गुजरात के और प्रदेशों या और इंडिया के और प्रदेशों में है, गुजरात के जिले में कोई भी जिले में आप जाती हैं या सूरत तक ही सीमित है? नो नो, ओनली ओनली सूरत, क्योंकि सूरत में बहुत नीड है. एंड अच्छा आनंदी बेन हैड कॉल्ड मी वेद ड्यूरिंग हर, उनको टेंडर के दौरान वलसाड में पायलट प्रोजेक्ट के लिए, एंड हम लोग वहां जाके कपाड़ा गांव में, कपाड़ा देर इज अ प्लेस, आदिवासी एरिया, जहाँ हम लोग ने ये डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोग को सिखाया बच्चों को. एंड आनंदी बेन कंटिन्यू दिस वर्क एंड वी गो फॉर दिस पायलट प्रोजेक्ट एंड वी टीच देन. Then I was invited by Torrent Power. They, गुजरात में Torrent Power है, by Torrent Power to teach the girls, वो गांव उसके जो सब सब स्टेशन जो है उन लोग के, उसके आजू बाजू जो गांव है उसके गर्ल्स को सिखाना सेम वे, हाउ टू वेयर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू चेंज, स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट इन द CSR. आई वॉज इन्वाइटेड एंड आई वेंट फॉर अबाउट 6 months देर एंड टॉट ऑल दोज गर्ल्स. सो मुझे वहां बुलाते हैं, आई गो वॉलेंटरीली, बट आई वर्क इन सूरत ओनली बिकॉज आई एम और जो 64. पैड की जो बात करते हैं या अंडरगार्मेंट्स की बात करते हैं, पहले पैड की बात करते हैं, जो पैड जो है वो आप खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं, मंगवाती हैं, या फिर ऐसी महिलाओं के जो काम करती हैं पैड बनाने का या कुछ भी ऐसा, उनसे आप प्राप्त करती हैं? किस तरह से काम होता है नहीं ये नहीं पूरा? यहाँ सूरत, सूरत में एक फैक्ट्री है पिपोद्रा में, तो वहाँ हम लोग पैकिंग वो बना के हमको भेज देते हैं, लो कॉस्ट, इतने हाई कॉस्ट नहीं होता है. तो आफ्टरवर्ड्स वो गर्ल्स अफोर्ड कर सकते हैं. हाँ, एक पैड का पैकेट होता है, 8 पैड, एंड दैट एंड पैंटीज ऑल्सो फ्रॉम लोकल शायद मार्केट. आपका अच्छा नहीं या दिखा, सुनाई नहीं सुनाई देता. देता है? ओके या ओके ओके हाँ हाँ, आप बोल रही बोले थी सूरत बोले. में हाँ, फैक्ट्री। तो वहाँ पैंटी भी सूरत से बेस होता है, सूरत के लोकल मार्केट से, और हमारे इतने अच्छे वेंडर्स हैं, फोन करके भेज देते हैं, और ओके उनका जो कॉस्टिंग भी थोड़ा कम कर देते, थिंकिंग इट इज देयर पार्ट ऑफ द डोनेशन. परफेक्ट परफेक्ट। और जो अंडरगार्मेंट्स होते हैं वो, उसमें भी शायद आपको सहायता मिल ही जाती होगी जहां से आप खरीदते होंगे वहां से। यस 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 यस, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देता है वो. राइट। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपकी जैसी पैड वाली दादी तो नहीं, लेकिन पैड वाली दीदी को और जिलों में और प्रदेशों में कुछ तैयार किया जाए, इस तरह से आपने कुछ सोचा हुआ है? देरा ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें करना है, बट फंड्स इज अ मेन थिंग. कंटिन्यू नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, क्योंकि एवरी मंथ
क्योंकि एक पैड और पैंटी का कॉस्ट बस 60 रुपीज होता है, राइट। सो पीपल फंड के हिसाब से वो लोग रुक जाते हैं, करना तो बहुत चाहते हैं, फोन तो मुझे बहुत आते हैं कि आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें करना है, पर फंड्स के हिसाब से वो लोग रुक जाते हैं। तो मैं अपील करती हूँ कि भाई इस काम के लिए हमें नहीं, पर जो करना चाहते हैं उनको फंड्स दीजिए तो वो लोग आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया में बहुत पीरियड पॉवर्टी है। तो ये एजुकेशन देने के लिए आप किस तरह से कुछ एजुकेशन का कुछ आपका कोई स्केड्यूल होता है, या फिर कोई अवेयरनेस की कोई किट जैसी आपने बनाई है, या किस तरह से आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, क्योंकि आप हर जगह हर समय नहीं जा पाएंगे, सूरत की हर सी कुनुक। हाँ वी गो टू वी टू गो टू 30 स्कूल्स, राइट। तो एवरी डे वन स्कूल, रोज एक स्कूल में जाते थे, 2 घंटा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट हाथों हाथ, वन टू वन वी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एवरी डे सेम प्लेस बुलाते थे। तो बाय द टाइम फर्स्ट अगेन द फर्स्ट डे बिकम द फर्स्ट स्कूल विल कम बैक अगेन, सो वी टू डू इट आवर सेल्फ। शेड्यूल पूरा ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे ये दो लगता है स्कूल। कि स्कूल से भी ज्यादा वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्कूल से ही अवेयरनेस, उनका बेस ही पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से हम उनको निखार सकते हैं। लेकिन जो मजदूरी करती हैं औरतें, और वो इस समय से जब पसार होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन के पीरियड से पसार होती हैं, तो उनको भी इतनी ही तकलीफ होती होगी। तो शायद हमें इस तरफ भी नजरिया हमारा रखना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों के लिए भी कुछ करा जाए, ना कि खाली जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वहां तक तो हम पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने घर से तो शुरुआत करें, और शायद आपके आसपास कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स होती रहती हैं, देर आर सो मेनी बिल्डिंग्स बिल्डिंग अप, तो वहां पे बहुत सारी मजदूर औरतें होती हैं, आदिवासी महिलाएं होती हैं, जिनको पता भी नहीं होता है कि पैड्स क्या है, और अगर उनको पता भी है तो कैसे यूज करना है उसका उनको कोई कोई मतलब नामो निशान का कुछ अता पता नहीं होता है कि किस तरह से लिया जाए, कैसे पहना जाए। अच्छा, अगर पहना भी जाता है लेकिन वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, दे डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ मटीरियल जिससे वो वेट वेस्ट में रखा जाए, ऐसे ही फेंक देते हैं कूड़े में, जिससे और ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो आज जरूर ओथ ले कि जितना बने उतना एजुकेट करे पैड के बारे में, पैंटीज के बारे में, हाइजीन लेवल के बारे में, और सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जाए, इससे वो भी बहुत महत्व रखता और दे है। ओनली और दे एजुकेशन इज और दे लेट और मी एंड विथ वन वन इंसिडेंट। एक मजूर जैसे आप बोलते थे बिल्डिंग के नीचे जो काम करते हैं वो सब, हम लोग हमारे कार में 100 150 पैड और पैंटी रखते हैं। जब भी अच्छा ड्राइव पे जाते हैं तो कई मजदूर देखते हैं तो पूछते, बेटा पैड पहनोगे? ऐसे करके हम पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और रोज के 25 से ऐसे पैड तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रोड पे। पर ऑल ऑफ अ सडन आई हर्ड दैट वन लेडी शी डाइड। तो वी केम टू नो के दिस लेडी ड्यूरिंग हर पीरियड्स वो छोटे छोटे कपड़े अंदर सर्वाइकल में सर्विस में डालती थी ड्यूरिंग हर पीरियड्स, लाइक टैम्पॉन्स, एंड वन एंड एवरी नाइट शी इज टू वो निकाल देती थी। एक दिन उसने वो एक अंदर रह गया एंड शी वॉज एडमिटेड इन टू हॉस्पिटल आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और उसको उसको पॉइजन हो गया। ओह माय गॉड, तो आप जो बोलते हैं कि ये लेडीजों को बहुत जरूरत है टू टीच देम हाउ टू वेयर अ पैड एंड गिव देम, सो हमारे रोज की 25 तो ऐसे ही हम लोग निकलते, तब रुक के गाड़ी रुक के बीच में रोड के बीच में बैठा के समझाती हूँ कि दिस इज इट एंड वी विल कम एवरी मंथ टू गिव यू इफ योर ईयर। वो लोग रहते नहीं एक जगह पे, दे आर वॉन्डरिंग एवरीवेयर।
तो जितनी लेडीज होते हैं उनको हम लोग देते हैं, पर आपकी अपील भी ठीक है कि भाई आप ये दो, देने से वो लोग खरीदेंगे नहीं, नहीं बिकॉज खरीदेंगे। दे वोंट बाय, दे वोंट बाय, बिकॉज इन लोग को वेस्ट लगता है ना कि एंड में तो फेंकना पड़ता है, तो वाई शुड बी बाय। तो ये इंसिडेंट मेरे भी को ये टच हुआ कि भाई चलो ये मजदूर को भी हम लोग देवे, बिकॉज दिस एग्जैक्टली इंसिडेंट। हाँ ये भी अच्छा बात है जो आपने कही थी कहीं पे कि सरकार को भी पैट्स को लग्जरी आइटम की कैटेगरी में ना डाल के 12% टैक्स क्यों उन पे लगाती हैं, वो भी ठीक बात नहीं है नहीं, क्योंकि वो ठीक बात लग्जरी नहीं है, आइटम है ही नहीं, दैट इज अ नेसेसिटी। नेसेसिटी। राइट 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 तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये लगता है कि मीना जी आज आपने जो एजुकेशन दिया है, कई लोग कई प्रकार के एजुकेशन देते हैं, लेकिन आपने जो समझाया है वो बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ आपने समझाया है कि और कभी जहन में कभी किसी को नहीं आया होगा कि कभी पैड्स या अंडरगार्मेंट्स दान करने चाहिए। तो राइट ये तो मतलब दान करने से तो बहुत सारी जो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी उससे भी उनको बचाते हैं आप, अगर वो आप दान करते हो तो। मुझे ये लगता है कि आज और जब भी ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे वो लोग जरूर प्रेरणा लेंगे कि अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, आसपास से शुरुआत करेंगे और फिर आगे कम्युनिटी में जाके, स्कूल्स में जाके, आंगनबाड़ीज में जाके हम लोग ये सब शुरुआत कर सकते हैं। हमें सूरत में ही पैड वाली दादी नहीं चाहिए, हमें अहमदाबाद वाली भी पैड वाली दादी चाहिए, बड़ौदा वाली भी चाहिए और राजकोट यस वाली भी चाहिए। तो मुझे ये यस लगता सही है कि पूरे देश में मीना है मेहता सही की जरूरत है। राइट तो राइट। हाँ और मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि किसी को गाइडेंस की जरूरत हो कि भाई कैसे करना है, जैसे मुझे पहले पहले शुरुआत में लगा, तो आई एम रेडी टू गाइड देम, आई एम रेडी टू गाइड देम, टेक देम विथ मी, टीच देम द हाउ टू डू इट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नो रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर दैट इंसल्टिंग ऐसे कुछ रखना ही नहीं चाहिए मन में। आपको काम करना है फॉर द बेटरमेंट तो आप करो, आपको कोई भी पूछना है 24/7 यू कैन कॉल मी, आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई कैन गाइड यू परफेक्टली हाउ टू डू इट, एंड आई एम श्योर कि मेरी जैसी बहुत पैट वाली दादी हिंदुस्तान में होगी, होगी ना होगी थ्रू दिस प्रोग्राम। यस डेफिनेटली। एंड मीना जी आप आज जिस जिस तरह से हमको प्रेरणा दे के जा रही हैं, वो इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी महिलाएं प्रेरित होगी कि जिससे हम दूसरी और महिलाओं को एक अच्छी शिक्षा दे सकेंगे इसके बारे में और हमारे भारत को सशक्त करेंगे। और ज्यादा पैड वाली दादी दीदी जो भी कह लो वो जरूर देख पाएंगे आगे। और बस अब से हम आप सबसे विदा लेते हैं अब, और यही आशा रखते हैं कि फिर से हम मीना जी से रूबरू हों। थैंक नमस्कार। यू सो मच, जय साईनाथ, थैंक यू सो मच। और कर्मा फाउंडेशन आपकी बहुत आभारी है कि आपने समय दिया कर्मा फाउंडेशन को, और द कर्मा फाउंडेशन भी इस प्रकार की कई सारी सेवा पता ही होगा। और जिसको भी जिस तरह की अवेयरनेस एजुकेशन चाहिए वो जरूर संपर्क करे मीना जी का, द कर्मा फाउंडेशन का, तो हम आपके लिए तैयार हैं। थैंक और यू, बस से हम अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, नमस्कार। वन मोर थिंग, पैड भी अकेले मत देना प्लीज, पैंटी के साथ देना, जी डोंट जरूर, गिव द हम पैड अलोन, पैंटी के साथ। हम सबको फिर से अपील करते हैं कि टू पीज आर नेसेसरी फॉर एनी विमेन आउट देयर, पैंटीज एंड पैड्स। तो थैंक हम यू सब थैंक यू। ये आज प्लीज जहन में रखें कि जब भी आप पैड का सोच रहे हैं दान करने को तो पैंटीज अंडरगार्मेंट्स भी जरूर दें उसके साथ। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। यू। जय साईनाथ, नमस्कार। जय, नमस्कार।